हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारा नया फ्रिज। सो काफ़ी कंफ्यूजन के बाद फाइनली हमने वर्लपूल का ये डबल डोर 265 लीटर का फ्रिज डिसाइड किया है, जो काफ़ी कूल है, जिसकी अनबॉक्सिंग अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले देखते हैं ऊपर बॉक्स पर जो भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। हमने ये ब्लैक कलर लिया है। दूसरी साइड भी आपको ये कुछ डिटेल्स मिल जा रही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारे नए फ्रिज का नया लुक, जो काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। एक अच्छी हाइट मिली हुई है फ्रिज को, और पास से अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एक टेक्सचर फिनिश है जो काफ़ी क्लासी लग रहा है। मैट फिनिश के साथ कलर वाइज और लुक वाइज फ्रिज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं, आप पर ये 3 स्टार रेटिंग है। फ्रिज आप जब भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3 स्टार्स होने ही चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा, तो एटलीस्ट 3 स्टार तो होने ही चाहिए। बाकी अप्लायंस रेफ्रिजरेटर वर्लपूल का ब्रांड है और मॉडल 2022 का है। फ्रॉस्ट फ्री मिल रहा है यहाँ पर। ग्रॉस वॉल्यूम है 265 लीटर और स्टोरेज वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो 239 लीटर्स। और वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर मिल रही है, और बॉडी की गारंटी जो है वो 2 साल की मिल रही है। तो ओवरऑल फ्रिज काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें बहुत ही कूल सा कंट्रोल पैनल मिला हुआ है, जिसको आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा वर्लपूल का डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री कन्वर्टेबल फ्रिज। अब देखते हैं हमारा फ्रीजर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस फ्रीजर मिला हुआ है। इस फ्रीजर की स्पेशलिटी ये है, ये डीप फ्रीजर पे काम करता है। जो कूलिंग है ना, वो यहाँ से यहाँ बैक होती है, सो नॉर्मल फ्रिज से ज़्यादा कूलिंग करता है ये। और यहाँ पर हमें एक आइस ट्रे मिल रखी है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको हमें बस ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते ही आइस क्यूब्स नीचे इस बाउल में मिल जाएंगे, जिसको हम निकाल कर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें ये एक आइस ट्रे मिली हुई है, और नीचे एक अच्छा सा बड़ा सा स्पेशियस फ्रीजर मिला हुआ है। और साइड में जो जेल दे रखा है, साइड में जो जेल फॉर्म है, ये कूलिंग को काफ़ी देर तक लॉक करके रखता है। इन केस ऑफ पावर कट, अगर काफ़ी देर तक भी लाइट नहीं आ रही है, तो उस केस में भी ये कूलिंग को लॉक करके रखता है, जिससे फ्रीजर में जो भी है लाइक आइसक्रीम एंड ऑल, वो काफ़ी देर तक उसको फ्रेश रखा जा सकता है। और साइड में जो डोर में भी हमें 2 पार्टीशन मिले हैं, और ये ऊपर कंट्रोल पैनल की पूरी डिटेल है, कंट्रोल पैनल को आपको कैसे यूज़ करना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप अपनी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल चीज़ें रख सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा सा फीचर हमें मिला हुआ है। अब फाइनली देखते हैं हमारा फ्रिज। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। 3 पार्टीशन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, और लाइट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लाइट का भी बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि लाइट सेंटर में दी हुई है, तो लाइट भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। और फ्रिज में अगर कूलिंग की बात करें तो ये टावर कूलिंग बेस पे काम करता है, जो काफ़ी अच्छी कूलिंग पूरे फ्रिज में प्रोवाइड करता है। और उसके साथ ही अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डिओडाइज़र भी मिल रहा है, जो ऑटो कंट्रोल करता है। लाइक फ्रिज में आप कोई भी फल काट के रख रहे हैं, या आपने बची हुई कोई सब्ज़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ रखी है जो काफ़ी स्मेल कर रही है, तो वो उस स्मेल को लॉक करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर हमें यहाँ पे मिल रहा है। और साइड में आप देखेंगे तो ये फ्रेश फ्लो भी ये दिया हुआ है, ये फ्रेश फ्लो है। तो कूलिंग आपको जिस साइड चाहिए है, उधर ही आप इसको टप करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक नया और एक बहुत अच्छा फीचर है, साथ में एक काफ़ी बड़ी स्पेशियस वेजिटेबल बास्केट हमें मिल रही है। और ये माइक्रो ब्लॉक
सिस्टम इसमें रहेगा जो कि बैक्टीरिया को भी लॉक करता है। लाइक आपने कोई भी फल या सब्ज़ी रखी हुई है जो ख़राब हो रही है, तो वो उसको ये माइक्रो ब्लॉक जो सिस्टम है वो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से और कोई सब्ज़ी या और कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ये उसको वहीं पर लॉक कर देता है। यहाँ पर आपको मॉइस्चर कंट्रोल मिल रहा है, तो मौसम के अकॉर्डिंग आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड डोर की। डोर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, चार पार्टीशन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक एंट्री की भी हमें यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर आप अपनी मेडिसिंस या कुछ भी अपने नीड का सामान रख सकते हैं, और ये दो बॉटल रैक्स भी दी गई हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिला हुआ है इस फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं लाइट का जो सेटअप है वो सेंटर में दिया है, तो काफ़ी अच्छी लाइट मिल रही है हमें यहाँ पर एक अच्छे स्पेस के साथ। दोनों पे ही काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम दो दिन तक 24 आवर्स तक उसको हाई पे चलाएंगे, ठीक है। उसके 24 आवर्स के बाद फिर हम उसको ऑटो कर देंगे। अभी आता है हमारा कन्वर्ट मोड। अगर आपको ऊपर जो हमारी फ्रीजर है, ये फ्रीज है, आप फ्रीजर में बर्फ़ जमाते हैं, आप चाहते हो कि इसमें बर्फ़ ना जमे और ये दोनों सेम एक ही कंडीशन में हो जाए, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, तो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा एक ही कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और आपको इसमें बर्फ़ जमानी है, नॉर्मल करना है, तो हम इसको बैक लाएंगे, तो ये अलग काम करेगा, ये अलग काम नहीं करेगा। तो इसमें बर्फ़ जमेगी, इसमें बर्फ़ नहीं जमेगी, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा मिनी फ्रिज। अगर आपको नीचे वाले हिस्से में कुछ एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो इसको मिनी फ्रिज कर दो जी। और आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी, कोई फंक्शन वगैरह है, आपको एक्स्ट्रा बर्फ़ की ज़रूरत है, जितनी बर्फ़ जम जाए तो इसको आप डीप फ्रीज कर दो, उसमें एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाएगी, वरना ये नॉर्मल पर रहेगा। तो फॉर एग्जांपल कि हम रात को कटोरी में पानी भर के रख देते हैं तो मॉर्निंग में बर्फ़ जम जाएगी इसकी रात भर में, और आपको बहुत जल्दी बर्फ़ जमानी है तो डीप फ्रीज कर दो, ठीक है। ओके, ये हमारी आइस कुकर है, इसको बाहर निकाल के पानी भर के रख देंगे और इसको राइट घुमाएंगे, बर्फ़ जमा जाएगी, इसको बाहर निकल देंगे। बाकी देखना है आपको कोई सर्फ वगैरह टूटे फूटे नहीं, क्योंकि टूटे फूटे की कोई वारंटी नहीं है। और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे के लिए कोई सेल्फ ना टूटे प्लस पॉइंट, ये है हमारा मॉइस्चर कंट्रोल, ये हमेशा प्रॉपर बीच में ही रहेगा, इसको हमेशा बीच में रहने दीजिए, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल रखते हो, धनिया पालक जो इंजल जिनके हो जाते हैं, उसमें स्मेल सी जो आती है, उसको मॉइस्चर कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये हमारे प्रेस फ्रिज है, इस कंपार्टमेंट में जो भी आप बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी रखते हो, यहाँ की चीज़ों को आपको फ्रेश रखना है तो इसको इस साइड कर दो, अंदर की चीज़ को फ्रेश रखना है तो अंदर साइड रखो, उसमें से एयर आती है कूलिंग वाली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रिज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपकी फैमिली 4 से 5 लोगों की है और आप एक डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री ऑटोमेटिक फ्रिज लेना चाह रहे हैं, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। काफ़ी अच्छा स्पेशियस फ्रिज है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ।